बता दें क्या होल्ड करें क्या आपको फोटो की बात करें नहीं ना काफ़ी काम किया हुआ है छोटे पर्दे पे जैसे एक बहुत फेमस रियलिटी शो है रूडीज़ तो उसका मैं विनर था 2012 में फिर उसके बाद 8-10 सीरियल्स किए थे बट बड़े पर्दे पर ये मेरी पहली फिल्म है अपकमिंग प्रोजेक्ट बिग बॉस की बात चल रही है बट उसका ये मैं पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकता मूवी के लिए तैयारियां तो ऐसी कुछ नहीं थी बस डायरेक्टर अच्छे हैं हमारे मनीष जी हैं राज जी की फिल्म है ये तो उन्होंने बोला था कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी बना रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपको मज़ा आएगा काम करने में इसमें कास्टिंग यार ये बहुत मतलब गॉड गिफ्ट है एक तरीके से कि एक बार एक मेरा फ्रेंड है उसका कॉल आया कि यार एक मूवी के लिए कास्टिंग चल रही है हॉरर थ्रिलर मूवी है तो अगर तू आ सकता है तो एक बार ट्राई कर ले तो मैंने बोला यार अभी तो नहीं आऊँगा क्योंकि बहुत टायर्ड हूँ मैं शूट करके आया था बट फिर उसने दोबारा कॉल किया 2-3 दिन लगातार उसने कॉल किया तो मैंने कहा चल एक बार देखता हूँ मिलके तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो सर ने मेरे को स्टोरी सुनाई तो स्टोरी इतनी पसंद आ गई कि मैं मना नहीं कर पाया उनको और मैंने बोला कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बट उसके साथ मैं आपका प्रोजेक्ट भी करूँगा That was a destiny. Actually, मैं आई थी किसी और चीज़ के लिए मॉडलिंग के लिए मेरी एक्चुअली शूट थी एंड उन्होंने बोला कि आपको किसी ने भेजा है मैं बोली यस मैंने लेकिन बट मैं फ़ोटोशूट के लिए आई हूँ तो उन्होंने बोला कि चलो फिर हम चल के बात करते हैं फिर उन्होंने मुझे स्टोरी बताई फिर उन्होंने मेरा थोड़ा सा एक्टिंग देखा मेरी एक्टिंग वीडियोज़ देखी और उन्होंने पूछा कि तुमने अभी तक क्या क्या किया है इवन आई वॉज अ पार्टिसिपेंट ऑफ मिस इंडिया डेलीवुड मिस इंडिया एंड आई गॉट द टाइटल ऑफ मिस इंडिया पॉपुलर एंड मिस इंडिया बिहार
और उसके बाद फिर मेरे कुछ मैंने वीडियोस सेंड किए और उन्होंने फिर हमारी बात चली एंड स्टोरी वॉज रियली गुड. अगर आप देखोगे, अगर आप उस मूवी को देखने के लिए जाओगे, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत सस्पेंस से भरी है और बहुत थ्रिल्ड स्टोरी है. सो गाइज, आप सबको जाना चाहिए देखने के लिए, बहुत सुंदर स्टोरी है ये. कैरेक्टर के बारे में मेरी डायरेक्टर, ओके ओके, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो भी है सारे बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज एंड दे आर रियली गुड. एज अ लीड के लिए उन्होंने बोला कि तुम्हारा बहुत स्माइलिंग फेस है, सो थोड़ा सा तुम्हें अपने फेस एक्सप्रेशंस पे और ज़्यादा वर्क करने होंगे एंड ऑल काइंड ऑफ वर्क. तो अभी मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, मीन्स हर चीज़ पे वर्क करना होता है हर दिन. इससे पहले मैंने बस मिस इंडिया का किया है, अदरवाइज ये मेरी इन एक्टिंग फील्ड ये मेरी फर्स्ट है. ओके, है इसके अंदर बट उनसे अभी इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं है हमारा, क्योंकि सेट पे ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, मस्ती होगी तो ज़्यादा क्लोज आएंगे. बट अभी अच्छा है कि बाहर के लोग भी हमारे इंडस्ट्री में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उनके साथ काम करने का. या स्टार्ट का शायद वो तो आपको प्रोड्यूसर्स ही बताएंगे कि कब इसको शुरू कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, बट जल्दी शुरू हो जाएगा. सर, रोडीज़ का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा था. हमारा अमेरिका में शूट हुआ था, फर्स्ट टाइम को इंडिया से रियलिटी शो अमेरिका गया था, तो 40 दिन हमारे वहाँ पे शूट किया था. बट फिर उसके बाद अभी सीजन 10, 11, 12 आ गए हैं. मतलब एक टाइम पे बहुत अच्छा क्रेज़ था रोडीज़ का, अब धीरे धीरे शायद वो कम हो रहा है. सब रियल होता है सर, सब रियल होता है, ट्रस्ट में सब रियल होता है. मैं फाइनल टास्क में मेरा हाथ जल गया था और मैं यहाँ कोकिला वैन में एडमिट था पूरा एक हफ्ते तक. बट वहाँ पे रखते हैं वो लोग, प्रोटेक्शन रहती है, एम्बुलेंस रहती है टास्क करते हुए, बट इसके अंदर जो भी दिखाया जाता है वो सब रियल होता है. काली गलोच वगैरह होता है. आप मेरा एक ऑडिशन देखिए यूट्यूब पे होगा, विकास रोडी सीजन 9 का ऑडिशन, आज तक का सबसे मुश्किल ऑडिशन था वो. मुझे इतना गाली दी उन्होंने, मेरी बैंड बजाई, बट वो सब इसलिए करते हैं ताकि आपके अंदर का जो एक रियल लाइफ हीरो होता है वो निकल के आए. वो देखना चाहते हैं कि हाँ इसके अंदर वो है बात जो हमें शो में चाहिए या नहीं है, या ये फेक है. क्योंकि बहुत सारे लोग फेक बन के जाते हैं कि चाहिए सबको फेम होता है एट द एंड, सब इंडस्ट्री में आना चाहते हैं. तो एक तरीका ये है कि आप रियलिटी शो करो, आप इंडस्ट्री में एंटर हो जाओ. बट वो सबको मौका नहीं देते हैं, लाखों बच्चे ऑडिशन देते हैं तो वो देखते हैं कौन अच्छा है या कौन बुरा है, उसके बेस पे ऑडिशन होता है. सबका होता है सर, किसका नहीं होता है. जो भी ये बोलता है ना कि मेरे को अपने आप को टेस्ट करना या मेरे को मेरा पैशन है, सब झूठ बोलते हैं. एट द एंड सबको इंडस्ट्री में आना. नहीं, मारने से फिर नुकसान हमारा होगा ना सर. ऑडिशन हमने दिया है तो उनको. आप फिल्म की बात करते हैं, स्टोरी में आपको पर्सनली कोई बताओ. नहीं, अभी थोड़ी ट्रैफिक, एक्सक्यूज मी, ये मेरा साथ दे रहे आप उनके बीच. ओके ओके, एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी एंड थोड़ी सी हो जाती है कभी, थोड़ी सी टाइम का उधर उधर तो कभी कभी होता है. बट एज अ, अगर मैं सेट पे जाती हूँ किसी मूवी के लिए तो वो मुझे पहले से पता होगा मूवी के टाइम, तो मैं कभी कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकती. Well, I've been in India for a couple of years, so I went to many auditions, meetings, and I have done some TV commercials, TV series, so finally this project came up and I'm super, super happy. This is where are you from? I'm from Poland, in Europe. Yes. Challenge for me, and I like challenges, so it's very exciting. How long have you been here in Mumbai? 2.5 years, yeah. Minus the monsoons. In the monsoons, I run away and come back in September. Thank you. Sir, ma'am, what is your role?
मैनेजर मनीष के पी यादव मैं डायरेक्टर हूँ इसे मैं फर्स्ट हूँ इससे पहले तो बालाजी ने था सीरियल भी कर चुका डॉक्यूमेंट्री कर चुका रॉक बस हो गए सुसाइड कर चुका इसी में फर्स्ट हूँ आवाज है बालाजी एट ईयर्स कहानी ने कुसुम कुटुम कहानी कर रखी है कुसुम मिनी सीरियल नाउ दिस इज माय फर्स्ट शूटिंग प्री प्रोडक्शन अभी स्टार्ट कर रहे हैं देन फाइनलाइज अभी आप लोग बता सर फिल्म ऐसी क्या खास चीज़ है जो दर्शकों को ऑडियंस को सिनेमा हॉल तक खींच कर लाए सर अभी देखिए कंटेंट इसका बहुत अच्छा है टीम भी अच्छी है और अभी कंटेंट का ही जमाना है जो छोटी छोटी फिल्म बन रही बहुत अच्छी फिल्म बन रही मैं अपना 100% दूंगा और लोग अच्छे चीज़ अच्छी आजकल जैसे जो ट्रेंड जो चल रहा है लो बजट की फिल्में अच्छा कारोबार कर रही है तो सतरंगी से भी आप इसी तरीके की उम्मीद कर रहे हैं कोशिश करता हूँ कि अभी कंटेंट मैं रिवील नहीं कर पाऊँगा लेकिन कंटेंट जो मैंने अभी तक रेड किया है जी तो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं अपने जो इनपुट अच्छा दूंगा टीम अच्छी है चीज़ अच्छा बनेगी इसके 7 कलर्स हैं लाइफ के और वो चीज़ मैं एक्सपोज नहीं करूँगा तो आप थोड़ा सबमिट कीजिए बाकी जो आप लोग बताते हैं सॉरी गाने हमने 5 डिसाइड किए हैं और गाने बढ़ भी सकते हैं जो अंग्रेज किरदार जो आपने जो लिए हैं तो इनका क्या फिल्म के अंदर ये सेकंड लीड कैरेक्टर है और ये स्टोरी के बीच में आती है और वो कैरेक्टर अगर मैं रिव्यू करूँ तो पूरी स्टोरी रिव्यू होता है तो उसका मैं ज़्यादा सॉरी साइलेंट कर रहे यार पीछे और कुछ मुंबई है और शोर हो रहा है पीछे शोर हो रहा है साइलेंट स्टार्टर चालू हो गया आवाज लगाओ क्या जोर से ओके थैंक यू फिल्म के लिए मुझे लगता है डायरेक्टर से बेटर पूछना अच्छा रहता है मैं तो सिर्फ विशेष दूंगा एज अ प्रोड्यूसर विशेष देना चाहूँगा पूरी टीम को और एक अच्छी फिल्म बनाएं यही हमारे विशेष एक्चुअली राज भाई मेरे पास आए थे सबसे पहले मैं इनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ फिल्म में इन्होंने जब कहानी सुनाई तो हमें लगा कि साथ में करना चाहिए काम और इसलिए हमने डिसाइड करके उसको हमने बैकअप करना सोचा कहानी ये लेकर आए थे एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर है बट ये चीज़ें सबसे पहले तो मैं रोशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चीज़ों को समझा उनको लगा कि ऐसा हो सकता है तो कुछ बेहतर है क्योंकि मुझे भी यहाँ इंडस्ट्रीज में हमेशा एक गॉडफादर की ज़रूरत होती है कि आपकी चीज़ों को समझे और आपको प्रमोट करे तो जिस दिन मैं इनसे मिला और उन्होंने जैसा बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आज जब से इन्होंने अपने हाथ मेरे सर पर रखे हैं आज बहुत अच्छा हो रहा है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ सबसे अच्छी बात है कि उनका इस चीज़ में कोई इंटरफेयर नहीं लेकिन हर चीज़ जाके एक बार बता दिया कि मैंने ये किया सर बस एक क्रॉस चेक के बाद समझ आती है कि नहीं सही हो रहा है हमेशा उनके गाइडेंस में काम चल रहा है बहुत अच्छा है उसे बहुत अच्छे गाने हैं बहुत अच्छा स्टोरी है स्टार कास्ट आपने देखा है मिस इंडिया है और ये रोडिस विनर है जो अभी बिग बॉस में जा रहे हैं तो फॉरनर हैं और इस तरीके से पूरा सस्पेंस थ्रिलर एक स्टोरी है जो बहुत अच्छे से ताने वाने बोले हैं शशि जी ने और देखते हैं आगे जब बनने के बाद उसी तरीके से रिलीज करेंगे तो सब सबको पसंद आएगा फिल्म में हमने पहले भी जो काम करते रहे चाहे वो रीजनल हो या हिंदी फिल्में हो सो हम लोग कैरेक्टर्स को परफेक्टली ध्यान रख के काम करते हैं कि किस कैरेक्टर में कौन आर्टिस्ट फिट बैठ रहा है तो उसके हिसाब से ही काम किया गया बजट क्या होगा बजट ये बेटर है ना बताऊं तो अच्छा रहेगा क्योंकि आगे तकलीफ हो जाएगी हमारे लिए बजट बताने में तो गाना डेफिनेटली बेहतरीन होगा और गाना एज ए कंपनी हम लोग हैं तो डेफिनेटली गाने बहुत अच्छे बनेंगे और करने के बनेंगे प्लानिंग है मुंबई करने की और मुंबई से बाहर भी जाएंगे जो रिक्वायरमेंट होगी कहानी की उसके हिसाब से शूट करेंगे भाई तो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है पहले शेड्यूल तो मुंबई में है फिर उसके बाद से जैसा रिक्वायर सर ने बोला उसी हिसाब से बाहर जाके शूटिंग का प्लान है बनाना तो आसान है
जिन्होंने पूछा है उसकर वो जानते हैं मुझे अच्छी तरह से कि प्रमोट करना और किस तरह से प्रमोट करना है वो मैंने बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग उसको कैसे काम करना है। और एज ए लेबल एज अ म्यूज़िक कंपनी चूँकि हमारी वो पकड़ होती है मार्केट पर और जो हमारी पहुँच है उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे चीज़ों को परफेक्टली। आप राइटर हो तो पता चलिए की कहानी क्या है सर आपका कोई पता नहीं रहा है डर है कहीं लिख नहीं हो जाए। नहीं सर कहानी तो नहीं बता सकता क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है बस ये है डराने और हंसाने की ये है और कॉमेडी रोमांस डराने हंसाने की जद्दोजहद है या फिर प्रयास उसका कैसा है टाइटल है सतरंगी। सतरंगी मीन्स सेवन कलर्स ऑफ लाइफ जिंदगी के सात रंग काम क्रोध ये अगर यही लाइफ में होना चाहिए नहीं होगा तो मुसीबतें शुरू हो जाती है यही समझे जिंदगी के सात रंगों को हमने उसमें लिया है। जिस तरह से सतरंगी नाम पड़ा इसके अंदर सात रंग दिखाई देंगे कि राज वर्मा जी के साथ मेरी दूसरी फिल्म है उनकी पहली फिल्म सबरंग हमने की थी जो विरोध सिनेमा ने रिलीज किया था तो हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है पहले भी हम लोग साथ में काफी काम फिल्म ज़्यादा देखें प्रमोट करें और शेयर करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर।